कुछ नहीं है, 600-700-800 बस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आज हम आपको जगाती वर्कशॉप स्टेशन पे आए हैं और आज हम आपको जगाती वर्कशॉप स्टेशन का रिव्यू करेंगे। मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ भी दिखाऊंगा, यहाँ पे टिकट कहाँ मिलती है, यहाँ पे आपको खाने में कैंटीन कहाँ है, कैंटीन वाले से बात भी करेंगे, आपको जहाँ यहाँ से कहाँ कहाँ के रूट की ट्रेन मिल सकती है, कितना किराया है, बकायदा आप यहाँ पे जो जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी हुई है रेलवे ने, वो सारी फैसिलिटी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहे, शुक्रिया, धन्यवाद। अभी हम खड़े हैं जगाती वर्कशॉप रेलवे स्टेशन के बाहर और ये जो आप मेरे पीछे जो रोड देख रहे हो ये यमुनानगर को जाता है। ठीक है, और ये वाला जो रोड है आपके साथ वाला, इधर साथ वाला है, ये हमारा रेलवे वर्कशॉप है और ये वर्कशॉप की और ये रोड जा रहा है। ये है जगाती वर्कशॉप रेलवे स्टेशन की पार्किंग, फिलहाल आपको खाली दिखेगी क्योंकि अभी ज़्यादा पैसेंजर ट्रेनें चल नहीं रही है, इसीलिए ये खाली है और यहाँ भी ठेके पे भी नहीं है। और यहाँ आपको ऑटो मिल सकता है अपने जहाँ आगे जाना है। अब आप बाहर से देख लीजिए बाहर से हमारा स्टेशन कैसा लगता है। अब हम आपको स्टेशन के अंदर ले चलते हैं जहाँ टिकट्स वगैरह मिलते हैं। टिकट बुकिंग का जो समय है वो सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 से 4 है और संडे वाले दिन सुबह 8 से 2 तक रहेगा। और ये आपके सामने अब ट्रेन जो है उसका टाइम टेबल है, यहाँ से कौन सी ट्रेन कब गुजरती है, उसका कितना किराया है, वो आपके सामने स्क्रीन पे है। और ये हमारा सामने वेटिंग हॉल है, लेकिन ये खुलता तभी है जब जीएम साहब आते हैं। और ये हम अंदर आ चुके हैं और सामने वो सीजीएस है, चीफ गुड सुपरवाइज़र बैठते हैं और उसके साथ में स्टेशन मास्टर जी है जो वहाँ पे पूरे स्टेशन को कंट्रोल करते हैं। और आप ये देख सकते हैं हमारे स्टेशन का व्यू, बैठने के लिए सीटिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे चेयर्स वगैरह बहुत अच्छी लगी हुई है, एकदम पेड़ वेड़ अच्छे लगाए हुए हैं। अब वो हमारे यहाँ पे सामने जो आप देख रहे हो वो कंटीन है, अब आपको कंटीन वाले से भी बात कराएंगे कि देखते हैं कंटीन वालों को क्या कहना है, कितने की सेल है। हमारे साथ है कंटीन वाले, अब हमें ये बताएंगे काम कैसा चल रहा है जी यहाँ पे। काम बहुत स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो है। कितने की बिक्री हो जाती है? कुछ नहीं है, 600-700-800 बस। मतलब एक दिन के? उसमें अपना सामान जा रहा है। हाँ। 1-2 रुपए का मार्जिन है कुछ नहीं। अच्छा, फुट में इतना मार्जिन है। बस और क्या होता है, सामान को भी भरना पड़ता है। उसमें कितना मिलता है? 200-250 रुपये। बिजली का आप रेलवे को लग देते हो? नहीं, बिल का अपना है। ठीक है, मीटर लगा है। ठीक है जी, शुक्रिया। हमारे जो राइट हैंड साइड में आपको सिंगल ट्रैक दिख रहा है, इस पर डबल ट्रैक ट्रेन चलेगी। ये DFC का प्रोजेक्ट है जो लुधियाना से चल के वेस्ट बेंगाल तक जो इसका ट्रैक बिछाया जाएगा। यमुनानगर तक ये काम पूरा हो चुका है, आगे का कार्य DFC का चल रहा है।